अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंटली मार्केट में क्रेडिट कार्ड को लेकर ऐसे बहुत सारे नए नए स्कैम आ रहे हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड यूजर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। करंटली मार्केट में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक मैसेज भेजा जाता है और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भेजे गए इन पर्टिकुलर मैसेज में लिखा होता है कि आपके सर्टेन रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं और अगर आप लोग इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं वो भी एज सून एज पॉसिबल, तो आपको इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। अब लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होने वाला है ये तो आप सभी को पता है। लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है या कोई ऐसा वेब सर्वर ओपन हो जाता है, कोई ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाती है जहां पर आपको अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे केसेस मेजरली SBI बैंक के कस्टमर्स के साथ भी हुए हैं प्रीवियसली। आई गेस अगर आप लोग SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप लोगों ने इस वाली प्रॉब्लम को फेस किया होगा जहां पर स्कैमर्स ने SBI बैंक की सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी वेबसाइट की और वहां पर आप जो भी डेटा फिल करते हैं वो डेटा स्कैमर्स के पास चला जाता है और स्कैमर्स उस डेटा का फायदा उठाते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं। और तो रिसेंटली भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां पर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको लगेगा कि आपने बैंक का एप्लीकेशन ही डाउनलोड किया है और जो प्रोसेस है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आपके वो फोन में वो मालवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड होता है वैसे ही आपके फोन का सारा एक्सेस उस एप्लीकेशन को मिल जाता है और इसके बाद स्कैमर्स आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ था बेंगलुरु में जहां पर 60 ईयर्स ओल्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक मैसेज आता है कि आपके 12,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं और अगर आपको क्लेम करना है तो आप इस वाली पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड यूजर ने उस वेबसाइट पर क्लिक किया और उस वेबसाइट पर क्लिक करने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। और रिसेंटली हैदराबाद में भी सेम इसी तरीके का स्कैम था जहां पर क्रेडिट कार्ड होल्डर को मैसेज आता है कि आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं और अगर आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम करना है तो आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम करो। तो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो, लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रॉड मैसेज है और किस मैसेज से सावधान होना है। इंडिया में करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को या क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाने के लिए कस्टमर्स को बार बार मैसेज करते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली एक दिन में एक मैसेज तो कस्टमर्स के पास जाता ही है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो इसे इग्नोर कीजिए और अगर आप लोग इग्नोर नहीं करते हैं इसका रिवर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोर्स चेक करना है कि ये मैसेज जो है वो कहां से आया है। अगर आपको बैंक ने मैसेज किया है तो बैंक का वेरीफाइड नंबर होगा, वहां पर बैंक का आपको नाम दिखाया जाएगा, लेकिन अगर बैंक का मैसेज नहीं होगा तो वहां पर कुछ और ही नाम लिखा होगा, वहां पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे या कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह आपको पता चलेगा कि ये बैंक का मैसेज नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पॉइंट कब और कितना एक्सपायर होने वाले हैं ये आपको क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में पता चल जाता है जब आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है। तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के एक्सपायरी के बारे में जानने के लिए आप अपने बैंक के लॉगिन पेज पर जाकर आप इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी आप पता लगा सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कभी भी थर्ड पार्टी के लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है और अगर बैंक भी कोई लिंक भेजता है तो उस लिंक पर क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि लिंक्स तो लिंक्स है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर लिंक की वजह से कब आपका नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको उस मैसेज के सोर्स को वेरीफाई करना है कि वो मैसेज कहां करा है, मैसेज ऑफिशियल है भी या नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी पर्टिकुलर चीज की तभी आपको किसी पर्टिकुलर SMS पर क्लिक करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि अपने कार्ड के डेटा को सेव करना है कि नहीं करना है। आपको कभी भी आपके कार्ड के डेटा को सेव नहीं करना है। अगर आप लोग कार्ड के डेटा को सेव करते हैं तो इस चीज का इंपैक्ट भी आपके क्रेडिट कार्ड पर पड़ सकता है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर आपको करंटली बहुत सारी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा। कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड।